गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैंने फिर से एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है वन ब्लॉक एक्सट्रीम हार्ड बीटा, इतना लंबा नाम है इसका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बस एक ही डेट होती है, एक ही ट्री होता है, बट इसमें ये ट्विस्ट है कि इसमें हमारे पास बस वो अलग अलग तरीके की हम डेट बना सकते हैं। इसमें हम ग्रास ब्लॉक खुद बना सकते हैं, हम ग्रेवल बना सकते हैं, हम डायमंड को खुद बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को खुद ही बना सकते हैं, हम लावा को खुद बना सकते हैं, पानी को खुद बना सकते हैं। इसमें इतनी सारी अलग अलग रेसिपीज़ है ना, और इसमें बस हमारे पास एक डायट है नीचे वो रही जिसमें ना पेड़ उगा हुआ है, और बस हमें सर्वाइव करना है। इसमें एकदम बोन मेल से डायट बनती है, तो अगर मुझे सैपलिंग मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। यस सैपलिंग मिल गई मुझे, एक स्टिक भी मिल गई, एक स्टिक मिल गई है मुझे। अभी इसको तोड़ो, इसके नीचे कोई ब्लॉक है देख लेता हूँ। हाँ नहीं है, कराउच आया था उससे पहले गिर जाऊँ। ओए बच गया, बचे नहीं है ना मुझे, कराउच हूँ मैं। एक और सैपलिंग, ये। और मुझे लगता है इस डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हल्की सी डाइट गई ना मेरा पूरा मैप जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे वापस से मैप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई डाइट बचेगी नहीं, मैं सर्वाइव कैसे करूँगा इस मैप में, तो इसलिए मुझे चाहिए होगी, चाहिए होगा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ेगा अपनी प्यारी डाइट को। मैं पहले अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं स्लैब, नीचे से स्लैब लगाऊंगा, इसके नीचे डेड ब्लॉक होना चाहिए। उन्हें देखा, ये है लास्ट डेड ब्लॉक। और कोई सैपलिंग दे दो, सैपलिंग मिली है, सेब मिल गया, फिर की स्टिक्स मिल गई, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सेब ओ क्या क्या मिला, पहले मुझे बनानी पड़ेगी क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल ऐसे वुड बनाते हैं, इसकी क्राफ्टिंग टेबल एक, ठीक है कराऊ चुना मैं। हाँ ठीक है, अब मुझे इधर लगा देनी है क्राफ्टिंग टेबल, और इसमें मुझे बने हैं स्लैब्स, इन सब के मुझे अभी स्लैब्स ही बना लेने हैं। कराऊ चौके मुझे नीचे वाले इससे पे लगाने, देखो नीचे वाले पे, ओ उतर गया ना, उतर गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, गिरना नहीं प्लीज़, वरना बहुत सारा हादसा हो जाएगा मेरे साथ, बहुत बड़ा, नहीं गिर रहा ना, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अच्छा ये टी है, सैपलिंग लगाया तो मैं इधर एक, अरे लग जा। तो इसमें क्या कहते हैं मुझे एक एक्सपी फार्म बनाना पड़ेगा, जो होगा क्या कहते हैं बहुत अलग टाइप का एक्सपी फार्म, एक्सपी फार्म नहीं कहेंगे उसे, क्या कहते हैं मॉब स्पॉनर कहेंगे, वो बहुत मुश्किल से बनाना है, उसको बनाने में बहुत देर लगती है। वो होता है बहुत अलग तरीके, और रात वो रात को काम करता है, अरे इसको तोड़ो, वो रात को काम करता है, मुझे वो वाला बनाना है, क्या कहते हैं दिन को भी काम करे, तो हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो दिन को भी काम करेगा, उसके ऊपर एक छत डालनी पड़ेगी हमें। अभी एक बज गया, अब इसको कहाँ लगाऊँ, इसको यहाँ पर लगाया था, उधर लगाया तू, उधर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इधर इधर लग जा, है एक और रखना से आ गया मेरे पास, अच्छी बात हो गई तो। अरे अभी गिरता, देखो मैं आप लोगों को रेसिपीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं जाता हूँ उस पर, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा रेसिपीज़ हैं, ठीक है, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, देखो कौन सी रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल लिखता हूँ, ग्रास ग्रास ग्रास, देखो ग्रास की रेसिपी, ग्रास ब्लॉक की रेसिपी ये है। अगर डेट ब्लॉक को बनाने के लिए मुझे चाहिए, मैं लिखता हूँ डेट को रेसिपी दिखाता हूँ, डेट देखो डेट की रेसिपी ऐसी है, कोर्स डेट की तो सबको पता होगी, ग्रेवल और डेट, ये डेट की रेसिपी, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ डायमंड्स की, गलत लिख रहा हूँ, डायमंड्स की रेसिपी, एक लैपिस लजूली ब्लॉक चाहिए और आयरन इंगट्स, आयरन इंगट के लिए हमें चाहिए होंगे, देखो आयरन के नगेट, हमें नगेट मिलेंगे ग्रेवल से, देखो आयरन, देखो ऐसे बनते हैं ग्रेवल से, और आयरन के ब्लॉक के टूल तो पता ही होंगे, तो सेम रेसिपी है, और आयरन इंगट ऐसे बनेगा, हमें बहुत सारे ग्रेवल चाहिए होंगे, और ग्रेवल के लिए हमें चाहिए होंगे कोबल स्टोन, और कोबल स्टोन की रेसिपी है
मेरे ख्याल से सही लिखी है ये है। देखो चार डाइट चाहिए एक कोबल स्टोन बनाने के लिए, और ये हम कॉब वेब बना सकते हैं, मकड़ी का जाला कॉब वेब, और हाँ हम लावा भी बना सकते हैं। लावे की अब मुझे रेसिपी नहीं पता, अब नाम नहीं पता, आई मीन लावे का मुझे कि लावा का ब्लॉक कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, पूरे जो क्राफ्टिंग टेबल का ये वाला एरिया होता है ना, इसके अंदर मुझे क्या कहते हैं स्टोन भरने पड़ेंगे, और जो जो उसकी रेसिपी होगी पानी की, उन दोनों को जो लावा का जो बन जाएगा ना वो ब्लैक कलर का होगा, उसको फर्नेस में डालेंगे, फिर वो पिघल जाएगा ना तो लावा निकलेगा, फिर उसको डालेंगे वो फैलेगा नहीं, फिर हमें उसको बकेट से वापस उठाना है, फिर वो बनेगा, फिर वो बन जाएगा। तो ऐसे हमें इस पूरे आइलैंड पे सर्वाइव करना है। और क्या कहते हैं माइनक्राफ्ट में दो हैं जिनका नाम होता है एंडर ड्रैगन और विदर। विदर से तो फाइट नहीं कर सकते हम इधर, लेकिन इधर है हम एंडर ड्रैगन से फाइट कर सकते हैं। तो एंडर ड्रैगन के लिए हमें ढूंढना पड़ता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो कि इधर नहीं है, तो हमें उसके लिए एंड पोर्टल इधर ही बना सकते हैं। जैसे एंड पोर्टल क्या कहते हैं रियल माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में अनक्राफ्टेबल होता है, तो अब मैं लिखता हूँ एंड पोर्टल एंड आ गया होगा, हाँ आ गया। देखो तीन ऑब्जीडियन और एक डायमंड चाहिए एंड पोर्टल बनाने के लिए। ये कौन सा एरो है, एरो ऑफ रीजनरेशन, आई ऑफ एंडर, एंड रॉड, मैगनर। अगर ये पेड़ होगा तो मैं तभी मिलूंगा आपसे, बाय बाय। पर करोड़ साल की मेहनतों के बाद और इसके ऊपर मुक्के मारने के बाद फाइनली पेड़ उग गया। आपको रिकॉर्डिंग में पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा देर लगाई है ना, इतनी ज़्यादा देर लगाई है मैंने स्टार्ट कम से कम क्या कहते हैं इसमें ऑलमोस्ट एक दिन निकाल दिया है। ऑब्वियसली क्या कहते हैं माइनक्राफ्ट का असली वाला नहीं, असली वाला तो होता तो अभी तक मैं सोच चुका होता। अरे भाई इतनी देर बाद हुआ ये, अब अच्छी खासी वुड देनी चाहिए ऐसे मुझे, मैंने इतना मारूँ वैसे मैं। अरे भाई कितने बड़े पेड़ आई मीन उसके वो हैं क्या कहते हैं वो सैपलिंग्स आई मीन लीव्स, बहुत बड़ा पेड़ है इन्हें भाई 50 वुड देगा ना। अरे भाई 4 सैपलिंग है मेरे पास, अरे टूट गया, एक मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा, बस तीन, पिछले वाला पेड़ से ज़्यादा अच्छा, अच्छा चार है, पिछले वाला पेड़ तब भी इससे अच्छा था, उसने मेरे ख्याल से 5 दिए थे, उसने मेरे ख्याल से 6 दिए थे। अय हाय क्राउच करके नहीं लगाना था, हाथ से कर रहा हूँ मैं, हाथ टूट जाएगा, बच गया, अभी गिर जाती मेरी वुड। अब मुझे वुड से बनाने हैं प्लैंक्स, और प्लैंक्स से बनेंगी मेरी स्लैब्स, और अब यहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, थोड़ा आगे और आगे, थोड़ा सा और आगे, बस इतना इतना नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, इतना थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा, इतना इतना भी काफ़ी नहीं है। मॉन्स्टर स्पॉन होंगे जाहिर सी बात है, आगे एक्सपी फार्म बनने वाला है, इतना काफ़ी थोड़ी होगा। और मुझे मेरे ख्याल से उसके लिए ब्लॉक्स चाहिए होंगे, नो, या फिर मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, या मैं ऐसे ऊपर लगाऊंगा तो आएंगे ऐसे करके, इधर वापस फोन हो सकते हैं क्या, देखना पड़ेगा मुझे, हाँ हो जाएंगे मेरे ख्याल से, हो जाएंगे कोई मसला नहीं है। अब एक और पेड़ को उगने का इंतज़ार करेंगे हम, ये तो गाइस मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पर क्लिक कर दिया यार तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, लाइक कर दो प्लीज यार। और एक घंटे से मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, एक पेड़ उगने का नाम नहीं ले रहा, ऑफलाइन में इतनी वोट जमा करूंगा, क्रिएटिव से नहीं लूंगा। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।